हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जूनी जागीटिया। एज इन आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट रैशनल नंबर एंड व्हाट हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मैंने आपको अच्छे से बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर फ्रॉम नंबर लाइन। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आपको जनरली नंबर लाइन को आप पहले से पढ़ते आए, फर्स्ट क्लास से आपको पढ़ते आए कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ना। लेकिन वो तो नॉर्मल नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि 3 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको पता है कि आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, मिडल में क्या आएगा हमेशा स्टूडेंट्स 0। नंबर लाइन वैसे ही बनानी है आपको, उसमें कोई चेंज नहीं है। मिडल में हमेशा क्या आएगा 0। 0 के राइट में हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे, 0 के राइट में हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे और 0 के लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव नंबर आएंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो जनरली उसी को कैसे ही करते हैं। और फिर जैसे आपको 2 को रिप्रेजेंट करना है तो आपने 0 के बाद 1, उसके बाद 2, तो ये हो गया 2, ऐसे मार्क करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो रैशनल नंबर में क्या होते स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म में दे रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए भी रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। मिडल में आएगा 0, 0 के लेफ्ट में आएंगे सारे नेगेटिव नंबर्स और 0 के राइट साइड में आएंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स, है ना स्टूडेंट्स। और जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, 4/5। अब स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर में देखो कि नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 5 है ना। तो आपको जब भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा स्टूडेंट्स, तब क्या करोगे आपको, डिनोमिनेटर में जो नंबर चल रहा है ना उसी को लेके चलना है आपको सारे डिनोमिनेटर्स। यानी इसमें हम लोग जनरली इसको 1, 2, 3 से होल नंबर लिख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है रैशनल फॉर्म में लिखना है। जैसे 0 के बाद पहले क्या आएगा 1/5, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5 है ना स्टूडेंट्स। तो आपको 0 के बाद से जैसे हम लोग जनरली 1, 2, 3 को लिखते हैं। और स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हो तो 2 नंबर के बीच में गैप रखते हो ना वो सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इन दो के बीच में आपने 2 ब्लॉक्स का गैप रखा और इसमें 1 ब्लॉक का गैप रखा, आपकी वो नंबर लाइन हमेशा रॉन्ग होगा, हमेशा ये जो गैप है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे कि स्टूडेंट अब इसमें रिप्रेजेंट करना है ना, कैसे करेंगे हम लोग देखना सकते हैं। अब यहाँ पे 4/5 को हमको रिप्रेजेंट करना है, आपको बताइए कि पॉजिटिव है तो इधर ही आएगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 0 के बाद से मैंने क्या बोला है कि अगर रैशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही आप सब नंबर्स के डिनोमिनेटर में लेके चल रहे हैं। जैसे 0 के बाद सबसे पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, 1/5 आएगा स्टूडेंट्स, राइट। फिर 1/5 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2/5, देन 3/5, देन 4/5, देन 5/5। नाउ स्टूडेंट्स देखो 0 यहाँ पे है ना, अब आपको 1 कहाँ पर मिलेगा यहाँ पे, 5/5 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 1, यानी कि आपका जो 1 है ना वो यहाँ पे है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो 5 डिजिट के बाद 1 है, अब वापस 5 डिजिट के बाद 2 है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको कभी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना स्टूडेंट्स, तो जिसका डिनोमिनेटर जो दे रखा है ना वही लेना है आपको, सबके सबके डिनोमिनेटर में आपको वही डिजिट लेनी है। जैसे पॉजिटिव का तो मैंने यहाँ पे लिया है और 0 के बाद से लेना स्टार्ट करना है, जैसे 1/5, 2/5, अगर 13/5 है तो 13/5 तक लेना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स। अब 4/5 चाहिए ना, तो दिस इज 4/5, ये वाला मार्क हो गया हमारे यहाँ। तो आप इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हो, ये सिंपल इसको आप मार्क भी कर सकते हो, है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो था पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब हम नेगेटिव को देखते हैं कि नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। सो सेम वही प्रोसेस है स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन, देन मार्क 0 इन द मिडल ऑफ नंबर लाइन, एंड 0 के राइट साइड में क्या आएंगे पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लेफ्ट साइड में क्या आएंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर्स। अब आप लोग ये वाला खुद ट्राई करो पहले, मैं वेट कर रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ईजी है, जिन्हें आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। अब आपको नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप 0 के लेफ्ट में करोगे स्टूडेंट्स। अब जैसे कि मैंने बोला है कि अगर रैशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर में जो है वही लेके आपको स्टार्ट करना है, तो 0 के बाद से हम सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर में क्या लेंगे 7, बिकॉज हियर द डिनोमिनेटर इज व्हाट 7। सो 0 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/7, देन -2/7, देन -3/7, -4/7, -5/7,
सेवन यहाँ पे सेवन है नौ मीटर, तो जीरो से लेके सेवन डिजिट के बाद आपको मिलेगा वन। और वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि सेवन अपॉन सेवन का मतलब क्या होता है, अगर आप सेम नंबर्स को डिवाइड करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है हमेशा वन। आपका जो वन है ना वो यहाँ पे होगा सपोज, और जीरो जो होगा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस फाइव अपॉन सेवन, तो माइनस फाइव अपॉन सेवन कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा, इसको हमको हाईलाइट करना है, दिस इज माइनस फाइव अपॉन सेवन। आई होप स्टूडेंट्स आपको रैशनल नंबर्स को नंबर टाइप में कैसे रिप्रेजेंट करना है अच्छे से आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा था कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हम देखने वाला नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि कोई भी टू रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना। कंपैरिजन का मतलब आप लोगों को पता है कि जैसे कोई भी चीज का कंपैरिजन करते हैं, मतलब जैसे कि कोई छोटा और कोई बड़ा है ना, जैसे कोई एक कोई इंटेलिजेंट है कोई दूसरे थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन होता है। तो इसमें भी आपको कंपैरिजन करना है, यानी कि बताना है कि कौन सा नंबर बिगर होगा या फिर कौन सा स्मॉलर होगा। कंपैरिजन आप सबको पता है कंपैरिजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपेयर करना कोई भी टू चीजों को कि जिसमें कौन अच्छा है कौन उससे थोड़ा सा कम अच्छा है ना। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे देखना है थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव। अब स्टूडेंट्स आपको कंपैरिजन करना है तो सबसे फर्स्ट एक चीज का ध्यान रखना, आपको सबसे पहले क्या देखना है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप सबको पता है कि डिनोमिनेटर हम किसको बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं ना स्टूडेंट्स। तो आपको सबसे फर्स्ट हमेशा कोई भी अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, सो व्हाट यू हैव टू डू, चेक द डिनोमिनेटर वेदर द डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट। आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है या नहीं है ना, क्योंकि अगर सेम होगा स्टूडेंट्स तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। सो टू नंबर का कंपेरिजन करना है थ्री अपॉन फाइव फोर अपॉन फाइव, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें डिनोमिनेटर दोनों में सेम है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है ना स्टूडेंट्स। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना स्टूडेंट्स तो एक चीज ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा ना वो डिजिट हमेशा बड़ी होगी स्टूडेंट्स। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है स्टूडेंट्स तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो डिजिट हमेशा बड़ी होगी। तो जैसे कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, थ्री बड़ा है कि फोर बड़ा है, फोर बड़ा है ना स्टूडेंट्स, इसलिए कौन सा नंबर बड़ा होगा, दिस विल बी बिगर देन 3.5। और आपको पता है कि हम साइंस में कुछ करते हैं लेस देन ग्रेटर देन, आप सबने साइंस से अवेयर कि लेस देन क्या होता है ग्रेटर देन क्या होता है। तो जिस जो डिजिट बड़ी होती है ना उस तरफ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, माउथ को ओपन करना है। तो ये डिजिट बड़ी है तो हम लोग माउथ को इस तरफ ओपन करेंगे, जिस तरफ की माउथ ओपन होता है वो डिजिट हमेशा बड़ी होती है। असल में सर अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो कि 4/5 इज बिगर देन 3/5। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तब भी वैसे लिख सकते हो, और अदरवाइज यू कैन पुट द साइन। बस ये ध्यान रखना कि जो डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ हमेशा माउथ ओपन होता है ना स्टूडेंट्स। ये तो बात की जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना स्टूडेंट्स तब तो आप इजीली कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला रूल आपको कब फॉलो करना है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है अलग अलग होता है तब आपको क्या करना है, तो हम देखते हैं वैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल टू है यहाँ पे 5/9 एंड 7/8। अब इसमें आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि चेक द डिनोमिनेटर फर्स्ट, इज द डिनोमिनेटर सेम, यू कैन सी द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। सो स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है ना तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड याद होगा शायद, और अगर नहीं आता तो मैं बताती हूँ। डिनोमिनेटर सेम नहीं है स्टूडेंट्स तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस एट को है ना आपको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है और इस नाइन को आपको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो कंपैरिजन के लिए ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हो और बाकी कोई को भी कर सकते हो। इस वाले डिनोमिनेटर को क्रॉस भी करना है, यानी यहां जो डिजिट है ना उसको इस वाले टर्म से करना है और यहां जो डिजिट है उसको इस वाले टर्म से करना है। तो जैसे कि हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एट है ना स्टूडेंट्स, तो फाइव और नाइन को किससे करेंगे हम लोग, एट से,
और स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, क्या ना। सो 5 × 14 / 9 × 72। अब सेम वे इसको तो 7/8 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 9 से ना, 8 को इससे किया और 9 को इससे, क्रॉस में जाना है। सो 9/9, 7 × 9 = 63 और 8 × 9 = 72। अब देखो स्टूडेंट्स हमने ये क्यों किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। इसके लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तभी हम कंपेयर कर पाओगे इसे। जैसे डिनोमिनेटर सेम वाले में मैंने आपको बताया था कि इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो डिजिट बड़ी होती है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है स्टूडेंट्स सो व्हाट यू हैव टू डू, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इन दोनों से करना है, ध्यान रखना ये चीज स्टूडेंट्स, और इस वाले को इन दोनों से करना है। सो डिनोमिनेटर हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, सेम मिल जाएगा, तो इससे आप क्या होगा इजिली कंपेयर कर पाओगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 40/72 मिला है इस वाले का आंसर, और इस वाले का आंसर मिला है हमको 63/72। नाउ मैंने आपको रूल बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है स्टूडेंट्स तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो डिजिट बड़ी होती है। सो कैन यू टेल मी डिनोमिनेटर सेम मिला है आपके स्टूडेंट्स, किसका न्यूमरेटर बड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला बड़ा दिख रहा है ना न्यूमरेटर, तो कौन सी डिजिट बड़ी होगी स्टूडेंट्स, ये वाला बड़ा होगा। इसकी तरफ माउथ ओपन करेंगे, इस साइन को बोलते हैं हम लोग लेस देन, और अगर ऐसे वाला बनाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी कि जिस तरफ माउथ ओपन होता है वो डिजिट हमेशा बड़ी होती है, तो ये बड़ा होगा स्टूडेंट्स। अब एक्चुअल में डिजिट तो ये नहीं है ना, डिजिट तो मेन डिजिट तो यही है ना, कंपेयर तो इनको करना है हमको, तो 63/72 आंसर किस वाले का कम का है, 5/9 का है या 7/8 का, 7/8 का है ना आंसर, इससे क्या लिखेंगे 7/8 is greater than 5/9। तो स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया कि कोई भी टू रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है, ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, बस ये आपको रूल अप्लाई करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तब तो आप इजीली कर सकते हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो डिजिट बड़ी होती है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है स्टूडेंट्स तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस वाली डिजिट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे और इस वाली डिजिट को इन दोनों से करना है जैसे कि मैंने किया है आपको, और फिर आपको कंपेयर करना है ये क्यों करना है स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, और फिर तो आपको इजीली कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी हमने अभी तक देखा है कि कैसे कंपैरिजन करते हैं रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है मैंने आपको बताया है। सो अब क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स कि आपको कोई भी टू रैशनल नंबर्स गिवन होंगे उनके बीच में और कितने रैशनल नंबर्स हैं वो फाइंड करना है, यानी आपको वो देंगे कि 4 फाइंड करना है या 5 फाइंड करना है, लेकिन कोई भी टू गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में आपको और रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो वो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक एग्जांपल, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -7/9 एंड -1/2। अब आपको यानी कि टू रैशनल नंबर गिवन है -7/9 एंड -1/2, ये दो नंबर है ना स्टूडेंट्स, देखो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, 4, किन टू नंबर्स के बीच में -7/9 एंड -1/2, आपको टू रैशनल नंबर्स गिवन है ना स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले आप देखो कि डिनोमिनेटर सेम है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है ना स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको टू रैशनल नंबर्स गिवन है -7/9 एंड -1/2, अब हमको इसके बीच में 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो अब आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने कंपैरिजन वाले ने किया था ना स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, हाउ विल यू डू दैट, यस वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे और 9 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, है ना स्टूडेंट्स, तो करते हैं -7/9 मल्टीप्लाई 2/2, इसका मिलेगा -14/8, है ना स्टूडेंट्स, और फिर -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स 9 से, क्योंकि क्रॉस में करना है ना स्टूडेंट्स, तो इसके लिए
हम लोग इनसे करेंगे और यहाँ पर टू है उसको हम लोग इस वाले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। इसका आंसर क्या जाएगा? 9 × 9 = 18। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे, तो अब आपको नंबर्स 4 रेशनल नंबर चाहिए स्टूडेंट्स। −14/18 और यहाँ पे स्टूडेंट्स −9/18 यही है ना स्टूडेंट्स। अब −9/18 और −14/18 है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स −9/18 यहाँ पे लिख सकते हैं और −14/18 यहाँ लिख सकते हैं। अब −9/18 की बात क्या डिजिट आएगी स्टूडेंट्स? −10/18 −11/18 देन −12/18 −13/18 एंड देन इन द लास्ट −14/18। तो आपको 4 रेशनल नंबर चाहिए थे ना स्टूडेंट्स, तो ये 4 रेशनल नंबर मिल गया हमको। तो समझ में आया स्टूडेंट्स आपको कैसे करना है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसके बाद आपको इस तरह से नंबर मिलेंगे। तो आपके 4 रेशनल नंबर कौन से होंगे? तो 4 रेशनल नंबर का कौन से होंगे स्टूडेंट्स? आपने फाइंड किए ना भी हमने −10/18 −11/18 −12/18 एंड −13/18। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने वाला एग्जांपल फर्स्ट देखा था कि कोई भी टू गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है। डिनोमिनेटर आपको सबसे पहले चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है स्टूडेंट्स तो यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम और उसके बाद आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, है ना स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन −3 and −2। अब ये तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स के फॉर्म में है −3 and −2। अब आप बोलोगे कि अगर मैं रेशनल नंबर फाइंड कैसे करूं, ये तो खुद ही रेशनल फॉर्म में नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो रेशनल फॉर्म में नहीं है लेकिन हम लोग इस तरह से इनको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं कि जिससे हमको दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम मिल सके। देखो कैसे −3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं −18/6। अगर आप 18 को 6 से डिवाइड करते हो तो 3 तो मिलेगा आपको −3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर कभी भी आपको इससे अच्छे नंबर दिया होता है ना स्टूडेंट्स तो आप उनको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो और इस तरह से कन्वर्ट करो कि इसको सॉल्व करने पर ये आंसर भी आ जाए आपका और इन दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो सेम भी मिल जाए। जैसे हम −2 को भी लिख सकते हैं, −2 को क्या लिख सकते हैं? −12/6। 12 को अगर 6 से डिवाइड कर दो तो 2 मिलेगा −2। सो यू कैन सी डिनोमिनेटर सेम है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको डिनोमिनेटर सेम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप डायरेक्टली रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो कभी भी इससे अच्छे जो नंबर दे रखे हैं आपको स्टूडेंट्स तो ध्यान रखना इनको इस तरह से रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो कि जिससे आपको डिनोमिनेटर सेम मिल जाए और इनको सॉल्व करने पर ये आंसर भी आना चाहिए, है ना। तो अब आपको 2 नंबर्स मिल गए स्टूडेंट्स, −12/6 स्टूडेंट्स और 1 है आपका −18/6। अब इसके बीच आपको 3 रेशनल नंबर्स की चाहिए सिर्फ, तो सिर्फ 3 लिख रहे हैं। −12 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? −13/6 −14/6 −15/6 फिर और क्या होगा स्टूडेंट्स? −16/6 −17/6 एंड देन −15/6। यानी हमारे पास तो इतने सारे रेशनल नंबर हैं लेकिन आपको चाहिए कितने सिर्फ 3, तो सो द 3 रेशनल नंबर आपको चाहिए लिखे तो फिर 3 द 3 रेशनल नंबर −13/6 −14/6 −15/6। सो आई होप फ्रेंड्स आपको जो भी मैंने आज की वीडियो में समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में कब आएगा स्टूडेंट्स? व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, है ना। तो आपको बस क्या करना है कि वीडियो देखो और उनकी प्रैक्टिस करो। आपको जो भी क्वेरीज होती है जब भी हमारा ऑनलाइन सेशन होगा तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।